इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने मेरा सवाल आपसे है कि लाइक uh, like ये जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे तो ये बोल सकते हैं कि आप दोनों सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं और येड़ा बन के पेड़ा खा रहे <laughs> ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी <laughs> तो मतलब जजमेंट मेरा सही नहीं कर रहा है जजमेंटल क्या बताओ देखें कि इसका जजमेंट सही है और असल जिंदगी में भी बोले कि आपने बताया कि 16-17 में लोग आपको पगली कहते थे लेकिन आपने उसमें भी सबका बैंड बजाया हुआ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आई थिंक मुझे जितना लोगों से प्यार मिलता है जितनी सराहना मिलती है जितना एक्सेप्टेंस मिलती है इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने ऑनेस्टली जितना मुझे लोगों से प्यार मिलता है इट इम्पावर्स मी अगर मुझे लोग प्यार ना करें मेरी मेरी काम को ना सराहें मेरी फिल्मों को ना सराहें देन प्रोबेबली आई डोंट स्टैंड एनी वे मगर बट आई थिंक आई एम एम्पावर्ड बाय सो मेनी पीपल हु लव मी ऑन ऑन मैनी लेवल्स आई फील सम पीपल हु हैवेंट इवन सीन माई फिल्मस दे लव माई पर्सनैलिटी एंड सम देर आर फैंस हु लव माई एक्टिंग आर नॉट ओके विद माई पर्सनैलिटी सो दे आर सो मेनी लेवल्स ऑफ पीपल एंड हाउ दे अप्रिशिएट मी आई आई एम रियली हम्बल्ड हाई कन्ना राइटेल या आगे कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम हम टाइटल की बात करते हैं पहले मेंटल है क्या था अभी जजमेंटल हो गया यू आर अ फाइटर बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजिली आई यू रियली वेरी सैटिस्फाइड विद दिस थिंग क्योंकि इस हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब ख़राब होते हैं मेंटल है क्या वॉज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग पर अभी जब जब कोई भी चीज़ कंगना और की होती है ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है तो तो मुझे पता है हमको जो है हम जो आउटसाइडर्स होते हैं हम अगर चलते भी हैं सांस भी लेते हैं ना तो, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं तो uh, तो आई थिंक uh, हम लोगों को कई तरह तरीके के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे और uh, ऐसा कहा जा रहा है जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल जो किक फिल्म है uh, सलमान जी की उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है पर uh, हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड्स मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है और हमको पेशी के बाद पेशी जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया पर जो साइकट्रिक एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ में कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है सो so, फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट माई चॉइस बट वी ट्रूली बिलीव के जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी सिंसियरिटी है और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है वो भी उन्हीं ने वहाँ पर उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफी हैवी दिल से कहा फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर तो <laughs> इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा वो देख के हमें भी थोड़ा सा <laughs> वो हो गया सो सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस एंड जिस इशू को लेके जिन लोगों को लेके बनाई गई है तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस आपके बारे में कहा गया है अरे कंगना वो पगली है ऐसी है कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा सा पहले लगा यार ये फिल्म मुझे ऑफ़र की जा रही है ऐसे नहीं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में एक काफ़ी एक फेज़ आया था जिसमें मुझे ये कह क्या के काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है ये मेडिकेशन पे है तभी ऐसे क्लेम कर रही है एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था आ, you know, so what? कि यू नो सो व्हाट जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता दो हज़ार का था जो उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है कि यू नो लाइक एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं और उसकी और यू you नो know, वो भी थोड़ा सा ऑफ है थोड़ा ऑफ बीट है तो uh, ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से आई थिंक सो मुझे एक्चुअली में ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलियशन um, लगती है एम ओके okay, अगर मेरे बारे में लोग uh, या yeah, अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं मेंटल सोचते हैं वो लमे सोचते हैं या गैंगस्टर की मोल समझते हैं या तनु समझते हैं या दत्तो समझते हैं सो फॉर मी इट इज नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नोर अशन आई टू एड कि कहानी का टाइटल बाद में आया कहानी पहले आई और वो कहानी um, बहुत कम एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते सो आई मीन दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन दैट Yeah, I think I don't think uh, Kanika ever thought of her character as a mental. She, uh, the, when she offered the film to me, the film was called Bobby. So I don't think in her mind she has ever been harsh to her character. So it was actually a very pleasant uh, take on somebody who is so prejudiced in the society. One second, we'll just. Uh, when we said raw and uncensored, we really meant it. Yeah. This is going to be one of those really raw and uncensored. Uh -huh. but, मेरा सवाल आपसे है कोलमैन ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एबनॉमल बिहेवियर उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है छुपाने की चीज़ नहीं है यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि जब वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए लोग आ, जो साइकेट्रिस्ट है उनके पास जाने से घबराते आप इसे किस मायने में लेती हैं और ये फिल्म उन लोगों के लिए कितनी महती होगी uh, uh, देखिए ये फिल्म जो है ये डेफिनेटली इट इज इट इज अगर आप सोचें कि मेंटल इलनेस के अराउंड ही स्ट्रक्चर uh, है या इसके अंत में एक आके आ आपको एक सल्यूशन मिलता है एक सुझाव मिलता है ये वैसी फिल्म नहीं है बिल्कुल भी ये एक uh, फ़िल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट जैसे हम मुझे ये जो रेवोल्यूशनरी इस लेवल पे लगा कि हमने हमेशा देखा है एक मेन स्ट्रीम हीरोइन जो होती है वो uh, चर्पी बहुत ज़्यादा होती है खुश बहुत होती है हमेशा उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी वो कॉलेज में भी मोस्ट पॉपुलर होती है फिर जब उसकी शादी होनी होती है तब उसको सारे लड़के उसी से शादी करना चाहते हैं फिर उसके बाद जब वो जॉब में जाती है फिर बॉस को उसी से प्यार होता है सो ऐसे तो हमने देखा है आज तक पर हमने ऐसा नहीं देखी कोई जो लड़की है जिससे जिसको अपने भी इशूज़ हैं उसके कंडीशन हैं उसको जो मेडिकेशन पे है वो कंडीशन है बट तो इस इस तरह की जो एक कैरेक्टर है मेन स्ट्रीम हीरोइन है जो कि एक मेंटल इलनेस से डील कर रही है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है और ये उसकी कोई सॉप स्टोरी नहीं है वो खुद को कत्ल नहीं कर देती है लास्ट में अक्सर इन कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो खुद को मार डालते हैं तो आस के लोगों को मार डालते हैं सो so, एक तरह से डार्क स्टोरीज़ में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सो आई लाइक जो कैसे कनिका के कैरेक्टर जो है कैजुअली वेयर इट ऑन देयर स्लीव जैसे ये बॉबी भी है खुद का भी मजाक उड़ाती है और उसकी सिचुएशन का भी मजाक उड़ाती है सो so, uh, अब है जो है वो है सो so, जो मेन स्ट्रीम हीरोइन का जैसे हमने तन्नू के साथ में भी एक लड़की जो लड़के घुमाना जानती है तो एक जो एक रेवोल्यूशन आया था और वो डेफिनेटली वैम्प नहीं है सो so, वो एक तनु से पहली बार आया था हिंदी फिल्म की हीरोइन जो है वो लड़के घुमा रही है और अच्छे से घुमा रही है एंड शी इज़ नॉट अ वैम्प सो उस तरह से एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जो कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस बट वो यू नो शी इज़ नॉट हैंगिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ नॉट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड सॉबिंग अबाउट इट शी इज़ डूइंग हर बिजनेस शी इज़ डूइंग अ जॉब शी इज़ ट्राइंग टू सी द सिल्वर लाइनिंग ये ये सबसे बेहतरीन बात है हाई कमना राइट या आगे कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम हम टाइटल की बात करते हैं पहले मेंटल है क्या था अभी जजमेंटल हो गया यू आर अ फाइटर बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजीली आर यू रियली वेरी सैटिस्फाइड विद दिस थिंग एक्चुअली क्योंकि इस हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब ख़राब होते मेंटल है क्या वॉज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग सर अभी जब जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है तो <laughs> तो मुझे पता है हमको जो है हम जो आउटसाइडर्स होते हैं हम अगर चलते भी हैं सांस भी लेते हैं ना तो <laughs> तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं तो तो आई थिंक हम लोगों को कई तरह तरीके के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे और uh, ऐसा कहा जा रहा है जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल जो किक फिल्म है uh, सलमान जी की उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है पर uh, हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है और हमको पेशी के बाद पेशी जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया पर जो साइकोट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ में कुछ हफ्तों हाँ पहले बैन हो चुका है सो so, फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट माई चॉइस बट वी ट्रूली बिलीव के जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी सिंसियरिटी है और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है वो भी उन्हीं ने वहाँ पर उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर तो <laughs> इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा वो देख के हमें भी थोड़ा सा <laughs> वो हो गया सो सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आवर इंटेंशंस एंड जिस इशू को लेके जिन लोगों को लेके बनाई गई है तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस आपके जवाब से ही पता चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड यू नो थोड़ा कूल cool डाउन होना भी जरूरी है आई टू से हर चीज को लेकर बहुत ज़्यादा uh, जैसा अपने टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो तो हैव uh, यू थोड़ा आपका जो थाट प्रोसेस has... हाँ मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तीस के बाद थोड़ा काम डाउन होती <laughs> जाएगी होती जाएगी फिर <laughs> <laughs> हेलो तीस uh, मेरा हो गया है अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी बुझती जाएगी बुझती जाएगी तो वो हो रहा है आई कैन सी हेलो कंगना जी मेरा सवाल आपसे है कि लाइक uh, like, uh, ये जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे तो ये बोल सकते कि आप दोनों सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और येड़ा बन के पेड़ा खा रहे <laughs> <laughs> ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी तो मतलब जजमेंट मेरा सही नहीं कर रहा है जजमेंटल क्या बता आप देखें कि इसका जजमेंट सही है और असल जिंदगी में भी बोले कि आपने बताया कि 16-17 में लोग आपको पगली कहते थे लेकिन आपने उसमें भी सबका बैंड बजाया हुआ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आई थिंक मुझे जितना लोगों से प्यार मिलता है जितनी सराहना मिलती है जितना एक्सेप्टेंस मिलती है इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने ऑनेस्टली जितना मुझे लोगों से प्यार मिलता है इट इम्पावर्स मी अगर मुझे लोग प्यार ना करें मेरी मेरी काम को ना सराहें मेरी फिल्मों को ना सराहें देन प्रॉब्ली आई डोंट स्टैंड एनी वे मगर बट आई थिंक आई एम एम्पावर्ड बाय सो मेनी पीपल हु लव मी ऑन ऑन मैनी लेवल्स आई फील सम पीपल हु हैवेंट इवन सीन माई फिल्म दे लव माई पर्सनैलिटी एंड सम देर आर फैंस हु लव माई एक्टिंग आर नॉट ओके विद माई पर्सनैलिटी सो दे आर सो मेनी लेवल्स ऑफ पीपल एंड हाउ दे अप्रिशिएट मी आई आई एम रियली हम्बल्ड